दोस्तों भारत में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है। शायद ही देश का कोई गली, मोहल्ला, जाति, मजहब हो जहां क्रिकेट को लेकर भाई दिलचस्पी ना दिखाई दे। शायद यही वजह रही है कि भारत में क्रिकेट के रोमांच को और ज्यादा बढ़ाने के लिए समय समय पर कई सारी फिल्में बनाई गई हैं। बॉलीवुड में क्रिकेट को आधार बनाकर बहुत सारी फिल्में बनी है और क्रिकेट को आधार बनाकर बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनाई गई हैं सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कुछ ही ऐसी फिल्में जो शायद बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिरी हो, जबकि कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर न सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो आइए जानते हैं क्रिकेट को आधार बनाकर बनी कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में जिन्होंने सिनेमा और क्रिकेट को जोड़ने का काम किया। दोस्तों वीडियो काफी शानदार है, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी जान एंड तक देखो और मजा आए तो आराम से लाइक करो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। दोस्तों इस मूवी का नाम अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जीवन पर बनी यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। सुनकर डायरेक्शन दिया है ब्रिटिश डायरेक्टर जेम्स एरस्कीन ने। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स में सचिन ने अपना रोल निभाया था। इसमें सचिन की जिंदगी और क्रिकेट जगत में उनके योगदान और मेहनत को दिखाया गया। इस फिल्म के लिए आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर जेम्स ने सचिन को एक कुर्सी पर बैठाया है और एक अलग अंदाज में कहानी पेश की है। फिल्म में सचिन के बचपन की झलक देखना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। फिल्म के जरिए सचिन की पर्सनल लाइफ से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स में आपको सचिन की फैमिली वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। इस फिल्म में कई सारे पुराने ऐतिहासिक मैचेस की यादें भी ताजा हो जाएंगी। यादों को सुनहरे सफर के अलावा इसमें क्रिकेट से जुड़ी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज को भी शामिल किया गया है। फिल्म में सचिन की खराब परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात की गई है। फिल्म में कई कमेंटेटर्स, क्रिटिक्स और साथियों के भी इंटरव्यूज लिए गए हैं। टीम इंडिया से सचिन के साथियों में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह शामिल हैं। ये फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। लेकिन इसके साथ ये फिल्म मैसेज देती है कि सचिन जैसे महान खिलाड़ी केवल धैर्य, तैयारी और कड़ी मेहनत से बनते हैं। नंबर टू, फरारी की सवारी। साल 2012 में राजेश मापुस्कर के निर्देशन में बनी फिल्म फरारी की सवारी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। फिल्म में शर्मन जोशी और बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। रूसी यानी शर्मन जोशी अपने बेटे कायो यानी ऋत्विक साहोर से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ और नहीं है। दूसरी तरफ कायो है जिसके लिए क्रिकेट खेल से बढ़कर उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और उसका सबसे बड़ा सपना है इंग्लैंड में स्थित लॉर्ड्स मैदान में क्रिकेट खेलना। अपने बेटे के लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच रखने वाला रूसी अपने बेटे की इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो सब कुछ करता है जो उसने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था। रूसी एक फरारी कार को ले आता है बिना उसके मालिक से पूछे और फिर उनका रोमांच से भरा और तमाम मुश्किलों से भरा सफर शुरू हो जाता है। इस फरारी की सवारी रोलर कोस्टर की तरह बहुत ही रोमांचक है। इस पूरे सफर के रास्ते में कई नए किरदार भी फिल्म की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और साथ ही दर्शकों को भी अपने साथ इस अनोखे सफर का एहसास कराते हैं। नंबर थ्री, अजहर। दोस्तों अजहर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन टोनी डिसूजा ने किया है। ये फिल्म भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर निर्धारित है। फिल्म में इमरान हाशमी, प्राची देसाई, नरगिस फाखरी, लारा दत्ता मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म अजहर क्रिकेटर अजहरुद्दीन के क्रिकेट करियर और निजी जीवन पर आधारित है जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अजहरुद्दीन एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और आगे चलकर एक स्टार क्रिकेटर बन जाते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उन पर लगे मैच फिक्सिंग के इल्जाम तक सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म में इमरान के साथ प्राची देसाई है जो अजहरुद्दीन की पहली पत्नी नौरीन के किरदार में है। तो वही अजहरुद्दीन की दूसरी पत्नी संगीता बिजलानी का किरदार नरगिस फाखरी ने निभाया है। नंबर फोर, पटियाला हाउस। दोस्तों अक्षय कुमार, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म पटियाला हाउस इंग्लैंड में भारतीय मूल के क्रिकेटर्स का एक अलग साइड प्रेजेंट करती है। ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। निखिल आडवाणी ने इसका निर्देशन किया है। फिल्म में क्रिकेट के लिए जुनून को दिखाया गया है। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। पटियाला हाउस एक ऐसे परिवार की कहानी है जो चार पीढ़ियों से लंदन में रह रहा है। परिवार के मुखिया है गुरतेज सिंह यानी कि ऋषि कपूर साहब, जिनके बनाए गए कायदे कानून के मुताबिक ही परिवार के हर सदस्य को रहना पड़ता है, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या फिर ना हो। ऐसे में जब परिवार के सदस्य को अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलता है जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ होता है तो थोड़ी नोकझोंक देखने को मिलती है। फिल्म परिवार के रिश्तों की इसी कश्मकश पर आधारित है। नंबर फाइव, जन्नत। इस फिल्म को कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया था जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। भटकैम की फिल्म जन्नत में सोनल चौहान और इमरान हाशमी लीड कैरेक्टर में थे। इस फिल्म ने सोनल चौहान को रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म जन्नत में भी क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलती है। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक सट्टेबाज बने थे जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं। फिल्म की कहानी मैच फिक्सिंग पर केंद्रित है। यह फिल्म पिछले कुछ दशकों से क्रिकेट को प्रभावित करने वाले डार्क सीक्रेट को उजागर करने का प्रयास करती है। नंबर सिक्स, दिल बोले हड़प्पा। इस फिल्म में शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में है। वीरा यानी कि रानी मुखर्जी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक चुलबुली सी लड़की है। वो एक लोकल थिएटर ग्रुप में काम करती है लेकिन तेंदुलकर और धोनी के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है। रोहन यानी कि शाहिद कपूर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट टीम का कप्तान है और एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है।
भारत में उसके पिता की क्रिकेट टीम लगातार 8 वर्ष से एक स्पर्धा में हार रही है। अपने पिता की टीम को विजय बनाने के लिए रोहन भारत आता है। क्रिकेट के पीछे पागल एक पंजाबी लड़की वीरा क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पुरुष क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहती है। उसके गांव में लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, इसलिए वो पगड़ी पहनकर और दाढ़ी लगाकर वीरा से वीर बन जाती है और खुद को एक पुरुष के रूप में दिखाती है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। इस दौरान उसे अपनी टीम के क्रिकेट कोच रोहन शाहिद कपूर से प्यार हो जाता है। उसके बाद वीर रोहन और वीरा की एक ऐसी मनोरंजक यात्रा शुरू होती है जिसमें रोमांस है, कॉमेडी है, संगीत है, पंजाब की महक है। कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिस पर आपका दिल भाई झूम उठेगा। नंबर 7, इकबाल। एक गरीब गूंगे लड़के के क्रिकेट की दीवानगी और देश के लिए खेलने की उसकी चाहत को बयां करती है फिल्म सबसे बेजोड़ फिल्म है जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में गूंगे लड़के का किरदार श्रेयस ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके अलावा क्रिकेट कोच की भूमिका में नसीरुद्दीन शाह साहब ने जान फूंक दी। फिल्म की शानदार स्टोरी लाइन, मूविंग परफॉर्मेंस और जबरदस्त साउंड ट्रैक फिल्म की खासियत है। दर्शकों को यह फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। नंबर 8, काई पोछे। दोस्तों, चेतन भगत की किताब थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ को आधार बनाकर यह फिल्म क्रिकेट पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म मुख्य भूमिका में सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमित साध, अमृता पुरी मुख्य भूमिका में नजर आए। काई पोछे दोस्ती, सपनों और पैशन की कहानी है। फिल्म की कहानी कभी आपको हंसाएगी तो कभी आपको रुलाएगी, लेकिन फिल्म में सच्चाई हर कदम पर आपको नजर आएगी। फिल्म में आम इंसान का क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स के प्रति पागलपन साफ देखने को मिलेगा। फिल्म में कहीं पर भी ओवर ड्रामा आपको नहीं दिखाई देगा। पूरी फिल्म हकीकत के धरातल पर तैयार की गई है। फिल्म की कहानी तीन दोस्तों की है जिनमें एक दोस्त एक गरीब मुस्लिम बच्चे के टैलेंट को देखकर उसे क्रिकेट की कोचिंग देता है, लेकिन उसी समय वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है। मूवी में जात पात को छोड़कर भाईचारे पर काफी प्रकाश डाला गया है। नंबर 9, लगान। दोस्तों, फिल्म को शायद ही किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। साल 2001 में रिलीज हुई एक एपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आशुतोष गोवारिकर की ये फिल्म क्रिकेट मैच पर आधारित है। इस फिल्म का क्रेज आज भी है। फिल्म के साथ साथ लोगों ने आमिर खान की एक्टिंग को खूब पसंद किया। ये फिल्म आजादी से पहले अंग्रेजों के अत्याचार और इंडियंस के संघर्ष की कहानी है। मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बस एक ही बात कही जा सकती है कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो बॉस, आप मानो आपने बहुत कुछ नहीं देखा है, इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 10, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, धोनी की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। छोटे से शहर रांची से इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बनने का सफर माही के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को कायम रखते हुए, माता पिता के सपनों की इज्जत करते हुए अपने सपनों को साकार करने वाले धोनी रांची की तंग गलियों से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बन जाते हैं। माता पिता की बात मानकर भारतीय रेलवे में टीसी की नौकरी करने के साथ अपने सपनों को पूरा करने की ललक और आखिरकार अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा आप में भी एनर्जी भर कर रख देगा। धोनी की लव लाइफ का हिस्सा भी आपको फिल्म में नजर आएगा जिससे कई लोग अनजान हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने मूवी में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और इनकी मौत के बाद ये मूवी एक बार फिर से चर्चा में आई। सुशांत अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर माही के किरदार को बड़ी ही सहजता से निभा गए। सुशांत को इस रोल में देखकर यही लग रहा है कि नीरज ने यह रोल सुशांत को देखकर कोई भी गलती नहीं की। दिशा पटानी धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका झा के किरदार में अच्छी लग रही है। कियारा आडवाणी साक्षी के किरदार में है और उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद आएगी। अनुपम खेर माही के पिता पान सिंह धोनी के रोल में जच रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आप माही के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। यह फिल्म आपको इंस्पायर करेगी और मान लीजिए अगर आप क्रिकेट या धोनी के फैन नहीं भी है ना, तो भी यह फिल्म आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। कुल मिलाकर आप इस फिल्म का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई इन मूवीज की जानकारी और आपकी इनमें से फेवरेट मूवी कौन सी है, प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है? अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, अमरजान।